Assalamu alaikum students, I am your science teacher Ms. Vasia. The topic name is materials. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि materials क्या होता है. materials basically जो चीज़ जिस चीज़ से बनी भी होती है उसको describe करता है. जैसे आप अपने surroundings में देखो, आपके surroundings में जो जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ materials किसी न किसी material से बनी हुई है. ठीक है, तो अब आते हैं types of materials पे. तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में जितनी भी मटेरियल्स हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे वुड, मेटल, पेपर, फैब्रिक, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ मटेरियल की. अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल की खसूसियात, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक को. ओपेक को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं केन को. केन ओपेक है, मतलब आप इसके आर पार नहीं देख सकते, मतलब केन रखा आपने, केन के पीछे क्या है आप नहीं देख सकते हैं और केन के आगे क्या आप नहीं देख सकते, क्योंकि क्या वो ओपेक है. और फिर है हम लोग नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इसी के अपोजिट, ट्रांसपेरेंट. ठीक है, तो अब आप ये ग्लास देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट. अब आप इसके पीछे, ग्लास के पीछे कुछ भी रखा हुआ होगा तो आप उसके पीछे देख सकते हैं कि ग्लास के पीछे क्या रखा हुआ है, क्योंकि आप इसके आर पार देख सकते हैं. अब आपकी विंडो होती है घर में, शीशे जो लगे हुए होते हैं तो आप शीशे के आर पार देख सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसी की ग्लासेस. ग्लासेस जिनके आईसाइट वीक होती है, तो ग्लासेस के अंदर इनके क्या लगा हुआ होता है, एक शीशा लगा हुआ होता है, तो उसके आर पार वो लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट. देन हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी वाटर प्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट. वाटर प्रूफ का क्या मतलब है, वो चीज़ जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है. जैसे ये बूट्स की पिक्चर आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको बारिश में पहने, बेसिकली इन बूट्स को बारिशों में ही पहना जाता है, अगर इन बूट्स को बारिश में पहनते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पाँव हैं वो गीले नहीं होते हैं. आपने वाटर प्रूफ जैकेट्स देखे होंगे, आपने वाटर प्रूफ ग्लासेस देखे होंगे. ठीक है, देन हमारे पास इसका अपोजिट है एब्जॉर्बेंट. एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करें. जैसे आप ये स्पंज देखें, स्पंज को पानी में डालेंगे तो पानी क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा. अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो अपने जो जिनको मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर ले. जैसे अगर यहाँ पर देखें तो कॉइन, सॉरी नेल एंड एक सिक्का कॉइन देख रहे हैं आप, अगर इसको मैग्नेट के आसपास रखेंगे तो क्या होगा, जो है मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा. इसी का अपोजिट क्या है, नॉन मैग्नेटिक. तो अगर हम कोई भी चीज़ इसके, मतलब जो ग्लास, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ग्लास एंड रबर है, तो ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक है. इस जो मैग्नेट है इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को. ये फिर हमारे पास है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो तरह के स्केल हैं, एक स्केल के अंदर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरे स्केल के अंदर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. एक स्केल मुड़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा स्केल क्या है मुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो मुड़ नहीं सकता, उसके अंदर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो रिजिड है. वो चीज़ें जो आराम से बेंड हो जाएं, जैसे कपड़ा ले ले, कोई क्लोथ ले ले, पीस ऑफ क्लोथ, तो क्या होता है वो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है. ठीक है, तो वो क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है. और रिजिड, जैसे एक कोई ग्लास ले ले हम लोग, ठीक है, तो वो आराम से मुड़ नहीं सकता, तो वो क्या है रिजिड. देन हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग में आप ये पॉइंट देख रहे हैं, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते. इसी के अपोजिट क्या है वीक. ग्लास की एग्जांपल हम लेते हैं, तो आप इसको जैसे ही गिराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वीक है. फिर इसके बाद आता है हार्ड एंड सॉफ्ट. हार्ड में आप ये डंबल्स देख सकते हैं, अक्सर आप लोगों ने जिम में देखा होगा इसको, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हैवी भी है, तो इसको भी आप ईज़िली नहीं कर सकते, ईज़िली तोड़ नहीं सकते. और फिर इसके अपोजिट है सॉफ्ट. टेडी बियर देख रहे हैं, इसको जैसे आप टच करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा आपको. देन हमारे पास आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर में ये आप देख रहे हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील एंड वाटर. कंडक्टर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं. जैसे अगर आप एक रॉड लो, कॉपर रॉड ले लो, कॉपर की एक रॉड ले लो, अगर आप उसको हीट करोगे तो पूरी रॉड क्या होगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो है इसके अंदर से हीट पास कर रहा है. इसी तरह से अगर हम इसके अपोजिट देखें इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की आप कुछ एग्जांपल्स, रबर, ग्लास, फॉइल, डायमंड एंड वुड. अब इसी तरह से अगर हम वुड की वुड को रखें, उसको जलाएं, तो उसके अंदर से क्या हीट पास नहीं होगी, पूरी जो लकड़ी होगी वो गर्म नहीं होगी, सिर्फ वही हिस्सा गर्म होगा जहाँ पर
हम वुड को हीट दे रहे हैं, तो जहाँ से हमने पकड़ा हुआ होगा ना वुड को, तो वो हिस्सा क्या है गर्म नहीं होगा, क्योंकि क्या वो जो लकड़ी है उसके अंदर से हीट पास नहीं करेगी। तो इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टर क्या होता है, गुड गुड होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को पास करने में। देन हमारे पास है मटेरियल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, मटेरियल्स की भी कुछ डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जैसे नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल्स। तो नेचुरल मटेरियल्स में आप ट्रीज, फॉरेस्ट, वाटर और वुड्स वगैरह देखते हैं, तो ये क्या है, नेचुरल है, जो अल्लाह ताला ने हमें दी होती है, और इसी के अपोजिट मैन मेड होती हैं। तो ये जो चीज़ें, जैसे आप एग्जांपल ले लो ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उनसे हम लोग उनकी लकड़ियों से हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, तो ये क्या होता है, ये मैन मेड चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पेपर। पेपर क्या होता है, मैन मेड मटीरियल, जो कि किससे बना होता है, वुड से बना होता है, ठीक है। तो अब ये इसको आप कहाँ कहाँ देखते हैं अपने डेली लाइफ में, बुक्स में देखते हैं आप लोग, न्यूज़पेपर में देखते हैं, चार्ट पेपर्स में देखते हैं, ये कहाँ यूज़ हो रहा होता है, ये किससे बना हुआ होता है, पेपर से बना हुआ होता है। देन हमारे पास होता है मेटल्स। मेटल्स किससे बनता है, रॉक से बनता है, जिसको बोलते हैं ओर्स। अच्छा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो स्ट्रॉन्ग, हार्ड और शाइनी होता है। तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, अपने डिफरेंट यूटेंसिल्स, ये मतलब किचन के बर्तन वगैरह बनाते हैं। अच्छा, मेटल्स को जब हम लोग मेल्ट करते हैं, तो इसको हम लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, नेचुरल नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो बहुत से केमिकल्स से मिलकर बनता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को भी इसी तरह से हम लोग पिघला कर, उसको मेल्ट करके उसको डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं, और फिर ये भी स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर प्रूफ होता है। इसके अलावा आप डेली लाइफ में देख सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड टॉयज किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिक नहीं होती, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है। प्लास्टिक मटीरियल मटीरियल सॉरी मैग्नेट जो है प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। देन हमारे पास है ग्लास। ग्लास की क्या प्रॉपर्टी है कि वो जो है बहुत वीक होती है, ग्लास इजली टूट जाता है। तो अब आप डेली लाइफ में देख सकते हो, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपका मिरर जो है वो ग्लास से बना होता है, विंडोज़ ग्लास से बने होते हैं, और जिसमें आप पानी पीते हैं वो ग्लास, वो भी उसी से बना हुआ होता है। अच्छा, और ग्लास बनता किससे है, सैंड को जब हम पिघला देते हैं तो उससे क्या बनता है, ग्लास बनता है। देन हमारे पास लास्ट है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, धागा जिसको हम बोलते हैं वो फाइबर्स कहलाते हैं। तो फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और बिल्कुल जैसे जिस तरह से हमारे बाल होते हैं उसी तरह से फाइबर्स दिखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब आप इसको डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हो कि स्वेटर्स, आपके जो क्लोथ आप लोग पहनते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, हमारे फाइबर्स जो होते हैं फाइबर्स से बने हुए होते हैं। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कितनी देर तक रह सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं ट्री की, तो ट्री कितनी देर तक रह सकता है, ये जो है नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स से हम लोग क्या करते हैं कि इनकी वुड से क्या करते हैं, हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं, और स्कूल की जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वो इसी से बनते हैं। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग और दरख्त उगाएँ, हम लोग और प्लांटिंग करें, तो इससे क्या होगा कि दरख्त और ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर उससे हम लोग और मज़ीद बेनिफिट्स हासिल करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ उसी से बेनिफिट्स हासिल करते रहें, और उसको हम लोग अगर प्लांटिंग करना छोड़ दें, ट्रीज़ और मज़ीद नहीं उगाएंगे, तो फिर क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे।